नमस्कार दोस्तों, मोनू सागर। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली है यूट्यूब पे, और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मेरे पास एक बंदा आया था और वो कह रहा कि मैं आपके उस्ताद से, मतलब इवन गुरुजी से मिलकर आया, और उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारा लड़का तो आजकल यूट्यूब पे वीडियो डालता है और काफ़ी फेमस हो रखा है। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने उसको ज्ञान सिखाया या मैंने उसको हुनर दिया, उसने सबको बता दिया। तो इवन उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं मेरे को काफ़ी निराश हुई और काफ़ी बुरा लगा ये चीज़ सुन के कि मैंने औरों को ये नॉलेज दी। इवन मेरा मानना यही था कि नॉलेज और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप लोग बताइए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है या ख़त्म हो जाता है। तो यही था कि मैं काफ़ी निराश था और काफ़ी टाइम से यही सोचने में था कि वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो इवन आप लोग डिसाइड करिए कि वीडियो बनानी चाहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसी बीच में मैं काफ़ी टाइम से कंफ्यूज था, मैंने क्यों ना आप लोगों से राय ली जाए। तो अभी मेरे पास गाड़ी है क्लासिक, और इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हमारे भैया आपको बताएंगे। तो अभी देखते हैं कि आपको बताएंगे कैसी और क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका सलूशन क्या है। अभी हमारे पास क्लासिक है, ये 2012-13 के आसपास का मॉडल है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसके अंदर कहीं वायरिंग का इशू है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और गाड़ी स्टार्ट हो भी रही है तो गाड़ी एक मिसिंग कर रही है, दुख 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 दुख, और पिकअप नहीं पकड़ पा रही है। तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट होते हैं और क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो भैया बताएंगे। तो बताइए सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। सर हमें इसकी समय पहले चीज़, आप थोड़ा लाउड और थोड़ा ज़ोर से बोलिए जिससे ऑडियंस को समझ में आए। सर इसका पहला नंबर हम वायरिंग चेक, वायरिंग कहाँ से चेक करेंगे, किस जगह से आपको लगता है कि वायरिंग का इशू रहेगा। सर इशू इसका यहाँ से है, तो जैसे हिला रहे हैं तो इसमें करंट आ रहा है, ओके। और अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये टंकी खोल लेते हैं, इसके बाद यहाँ से वायरिंग काट के देखेंगे, ठीक है। तो टंकी जल्दी से खोल देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, टंकी खोलने के लिए 2014 का मॉडल था, उसमें यहाँ पर दो बोल्ट होते हैं, जहाँ पर अभी ये खोल रहे हैं, एक पीछे और एक यहाँ आगे। तो इन दोनों बोल्टों को निकाल लेते हैं, इसके बाद टंकी बाहर आ जाती है हमारी। तो काइंडली और इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ मैं आपको छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ, अगर आप गाड़ी की टंकी खोलते हैं तो गाड़ी पे यहाँ पे स्क्रैच आ सकते हैं, तो उसके लिए जब भी टंकी का भी बाहर निकालें तो इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा लगा दें कि यहाँ पर ये बोल्ट इस पर टकराए ना इसके ऊपर, और टंकी इस तरीके से बाहर निकालें। और टंकी ये बाहर आ गई है। तो अब इसके बाद क्या है, हमें यहाँ से वायरिंग को अंदर से टेप रहता है, टेप को छील देना है। यहाँ पर इसका वायरिंग का इशू है, ये पहले वायर जोड़ देते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि करंट आता है और यह गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। तो अभी हम इसके अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा वायर लगा रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वायर इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम इसी वायर को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, वो कल के दिन जब खिंचाव पड़ता है हैंडल पे, ये वायर निकल जाएगी। तो इसलिए एक्स्ट्रा वायर लगाएंगे, तो वायर थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर वो वायर टूटेगी नहीं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अभी वायरिंग का काम आप देखेंगे कंप्लीट हो चुका है, और अब हम देखते हैं इग्निशन लॉक में। तो मैं आपको बताता हूँ पहले क्लियरली कि अगर आप ये इग्निशन लॉक ज़ोर से ऑन करते हैं तो ये देखिए ऑन नहीं होगी गाड़ी, और हल्का सा पीछे लेंगे चाबी को तो ये देखिए ऑन हो गई, और कस के करते हैं तो काम ही नहीं करेगी। ये ऐसा इसलिए होता है कि प्लास्टिक का स्विच होता है और वो काम नहीं करता है। तो मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि कभी भी आप चाबी जब इग्निशन ऑन करते हैं तो उसका आराम से हल्के से करें, और हल्के से करने में हर बार ऑन होगी चाबी, ठीक है। कस के करेंगे वो प्लास्टिक रहता ख़राब हो जाता है। अब हम देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके, करिए स्टार्ट सर। यस, गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है। तो यही एक छोटा सा इशू रहता है, अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले वायरिंग कहीं से भी ख़राब होती है वो है प्रॉब्लम यहाँ से, उसके बाद एम्पियर मीटर की वायर ढीली हो जाती है। तो लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर। क्या कहेंगे सर? ये गाड़ी हम बना चुके हैं, ओके। इस गाड़ी की मेन दिक्कत जो थी वो इसी पास से थी, कभी बुलेट में वायरिंग में दिक्कत आती है तो वो इसी जगह से आती है।
ठीक है, तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो मेरी राय थी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने जो सोचा क्या गलत सोचा या सही, जो भी आप अपना ओपिनियन दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।